हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं रिवील करने जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया और अपने सेविंग से मैंने क्या डायमंड परचेज किया फ्रॉम रिलायंस ज्वेल्स, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने गोल्ड एंड डायमंड परचेजेस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, भी आप मेरे वीडियोज पे जाके देख सकते हो। और उसके अलावा मैं तनिष्क रिलायंस वगैरह विजिट करती रहती हूँ तो वहां से मैं बहुत सारे आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो सारे वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए पहले दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया था। तो सबसे पहले ओपन करती हूँ मैं अपना सबसे एक्सपेंसिव वाला गिफ्ट और ये दोनों जो परचेजेस है मेरे वो रिलायंस ज्वेल्स से है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये क्या है। ये मेरा ड्रीम मंगलसूत्र, तो ये रहा मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट। इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को लूट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। बट ये मंगलसूत्र लेने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट हमारे रीजन में क्या होता है ना कि आपकी शादी होती है तो आप एक सवा साल तक कुछ भी ब्लैक मोती में नहीं पहन सकते हो या फिर ब्लैक आउटफिट नहीं पहन सकते हो, ब्लैक कुछ भी पहनना अलाउड नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो भी मंगलसूत्र आती है वो सिर्फ ऐसे पेंडेंट के साथ आती है और साथ में यहाँ पे ब्लैक मोती और गोल्ड की जगह सिर्फ रेड मोती लगी होती थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आता था। वो 5 साल से मेरे पास ऐसी ही पड़ी हुई थी, बट इस बार 5th एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिलाया। ये देखो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। कर लेते हैं इसके वेट की, तो स्क्रीन पे मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी, फिर भी मैं रफली बता दे रही हूँ कि ये ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स की है। कि प्राइस की बात करें तो ये चेन जो है इसकी प्राइस है 1,42,000 रुपीज और ये जो पेंडेंट है मंगलसूत्र का ये मेरी शादी में पहले से आया हुआ था, तो ये मैंने नया नहीं लिया है, मैंने ये चेन बनवाई है। इसमें बहुत ज्यादा गोल्ड का यूज हुआ हुआ है। आप सेंटर में देखोगे तो एक चेन पूरे ऊपर से नीचे तक गई हुई है, ये ओवरऑल चेन आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने तनिष्क हर जगह लोकल शॉप सब जगह ढूंढा, बट मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था या फिर वो पेंडेंट के साथ मुझे पसंद आ रहा था, बट मैं अपना शादी का पेंडेंट एक्सचेंज नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था जब भी लगवाऊंगी तो इसी में लगवाऊंगी, इसलिए मैंने ढूंढ करके ये चेन फाइनली निकाला और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। इसके डिजाइन की बात करूँ तो ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे सबके वीडियोज में लगा दूंगी स्क्रीन पे, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से डिजाइन मालूम पड़ जाएगा। पहनने पे ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ज्यादा हैवी एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। चलिए गोल्ड तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने सेविंग से क्या डायमंड परचेज किया है। चलिए देखते हैं जादुई पिटारे में क्या है। तो ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये रोज गोल्ड में है और यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ डायमंड हैं और सेंटर में भी आपको डायमंड के छोटे छोटे क्लस्टर्स दिखेंगे। ये सॉलिटेयर नहीं है बट लुक इसका बिल्कुल सॉलिटेयर वाला आता है। आप पास से देखोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लस्टर्स ऑफ डायमंड है, सॉलिटेयर नहीं है। इसकी भी वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना, बहुत ज्यादा खूबसूरत रिंग है। एंड की एमआरपी की बात करूं तो ये 52,000 की थी, बट फरवरी में वैलेंटाइन वीक चल रहा था उस समय मुझे ये अराउंड 43,000 की पड़ी है। देखो मुझे ऑलमोस्ट 10,000 का रिबेट मिल गया था। ये देखो पहनने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये दिखा दो पास से आपको, इसके सेंट्स, इसका वेट, इसका प्राइस सब कुछ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ये देखो मैं लग रही हूँ ना हीरो की रानी।
बहुत ज़्यादा पसंद आया कि अगर आप डायमंड लेने जाओ 30,000, 40,000, 50,000 के रेंज में, तो आपको इतने छोटे छोटे डायमंड्स मिलेंगे कि वो वर्थ नहीं लगता है, क्योंकि किसी को भी लगता नहीं है कि वो 50,000 या 52,000 की है, तो ऐसा लगता है कि हमने पैसे बर्बाद कर लिए। बट इसके लुक की बात करो तो ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, एकदम एंगेजमेंट रिंग वाली लुक देता है। ये देखो पास से दिखाती हूँ आपको, और रोज़ गोल्ड में डायमंड बहुत से खिल के आते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये रहा मेरा सेकंड परचेज। आपको इसके डिजाइन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और आगे अगर मेरे आप गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हो तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शंस, मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे।